हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा तो दिस इज़ लेक्चर सेवन फॉर योर एम सी क्यूज़ ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑलरेडी सिक्स सेशंस देख चुके हैं ओके अराउंड थर्टी फाइव क्वेश्चन हम इन सिक्स सेशंस में ऑलरेडी कर चुके हैं ये सेवन्थ सेशन है आपका प्रैक्टिस वही रहेगी पाँच क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आपने उसको सॉल्व करना है और आंसर करना है ओके चलिए ऑल राइट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंगल्टिंग बाई द लेट नाइनटीन सेंचुरी सीधा सीधा सवाल है देखो इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर सवाल मैंने आपको पहले भी बताया पूछे जा सकते हैं तो मैं डालता रहूंगा वो सवाल बीच बीच में ओके okay? तो आयरन स्मेल्टिंग से रिलेटेड uh, सवाल पूछा जा रहा है कि डिक्लाइन हुआ था ट्रेडिशनल क्राफ्टिंग ऑफ आयरन स्मेल्टिंग में लेट नाइनटीन सेंचुरी में उसके क्या कारण थे दो कारण यहां पर दिए हुए हैं कि एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने नए फॉरेस्ट लॉज लॉज लेकर के आए ठीक है।, है विच रिड्यूस द एक्सेस टू तो फॉरेस्ट रिड्यूस द एक्सेस टू तो फॉरेस्ट फॉर हुम फॉर द ट्रेडिशनल क्राफ्टर्स ओके जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग थे उनके लिए एक्सेस रोक दिया दूसरा क्या कहता है इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन ब्रिटेन से आयरन एंड स्टील बन करके आने लगा जिसकी वजह से ट्रेडिशनल जो आयरन मेल्टिंग है वो कम हो गया तो किस कारण से ये हुआ डिक्लाइन वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन एंड टू ओके अंडरस्टैंडिंग है अगर कंसेप्ट की हिस्ट्री को पढ़ा है अगर अच्छे से सिर्फ रटा नहीं है तो आंसर कर सकते हो मुश्किल सवाल नहीं है देखने में मुश्किल लगता है पर है आसान सा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू दोनों जो है कारण हैं आपके डिक्लाइन होने के आयरन एंड स्मेल्टिंग का इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी ठीक है जी सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट वन की बात करें तो बिल्कुल सही जो कलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने नए फॉरेस्ट लॉज लेके आए वो लोग नए फॉरेस्ट लॉज लेके आए और इन फॉरेस्ट लॉज ने जो यहाँ के लोकल्स थे इंडियंस थे जो उनको फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त ही नहीं दी जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहाँ पर रिसोर्सेज थे वहां पर जाने की उनको इजाजत ही नहीं मिलती थी ठीक है अब इजाज़त नहीं मिलती थी फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी तो वुड नहीं होता था उनके पास चारकोल नहीं होता था तो आयरन और की मेल्टिंग कैसे करेंगे ठीक है अब आज जैसे स्टीम इंजन या ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं ना इलेक्ट्रिक हीटिंग वाले तो प्रोसेस है नहीं वो तो वुड और चारकोल का ही यूज करते थे और फॉरेस्ट में रेस्ट्रिक्शंस थी ठीक है वो जान ही सकते थे दे कैन नॉट कट द वुड विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल राइट और अगर कहीं जगहों पर अगर कहीं जगहों पर एक्सेस दिया भी जाता था सरकार के थ्रू इन लोगों को तो वहाँ पर इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स पे करने पड़ते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को और अल्टीमेटली इनकी इनकम रिड्यूस हो जाती थी इसी कारण से बहुत सारे जो क्राफ्टमैन थे वो दूसरी जो है दूसरा काम देखने लगे आयरन और स्मेल्टिंग का काम उन्होंने छोड़ ही दिया स्टेटमेंट टू जो था कि भाई ब्रिटेन से बना हुआ आयरन एंड स्टील इंपोर्ट होने लगा हिंदुस्तान में तो ब्रिटेन या जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉलोनीज बनाई जो भी कॉलोनाइजर्स थे उनका वन ऑफ द रीजन ही कॉलोनीज बनाने का ये था कि वो इन कॉलोनीज से रॉ मटेरियल लेकर के जा सकें अपने देश वहां पे प्रोडक्शन करें एंड अल्टीमेटली इन कॉलोनीज को इंडिया जैसी कॉलोनीज को यूज किया जाता था एज मार्केट जहां पर ये अपने फिक फिनिश प्रोडक्ट जो है उनको ला करके बेच सकें आपको मार्केट तो चाहिए ना कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके लिए आपको मार्केट चाहिए तो ये डेवलपिंग कंट्रीज सॉरी डेवलपिंग कंट्रीज बोल रहा हूं मैं ये जो कॉलोनाइज कंट्रीज थी ये एज अ मार्केट रोल प्ले करती थी तो ब्रिटेन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में आ चुका था आयरन एंड स्टील ह्यूज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो रहा था मार्केट चाहिए थी इंडिया वो मार्केट बना ठीक है तो इंपोर्ट होने लगा मैन्युफैक्चर्ड यूटेंसिल्स इम्प्लीमेंट सब इंपोर्ट होने लगा और इनका जो प्राइस था वो भी एज कम्पेयर चीप था फिनिशिंग ज़्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन मेन्टर्स देन अल्टीमेटली इन कारणों की वजह से जो डिमांड है लोकल की वो कम हो गई ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन था तो दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे ठीक है समझना जरूरी है चीजों को ताकि आंसर आप कर सको क्वेश्चन जैसा भी आ जाए सेकेंड क्वेश्चन देखें वंस अगेन इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री इकोनॉमिक बैकग्राउंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल सो ब्रिटिश सपोर्टेड सेटिंग अप दो स्टेटमेंट्स दी हुई है आपको बताना है सही कौन सी है ब्रिटिश

तो वो पकड़ लेगा वो कहेगा सर ये क्या मजाक बना रहे हो इतना तो हमने पढ़ा है ठीक है पढ़ा हुआ तो इजीली आंसर हो जाएगा ब्रिटिशर्स इंडिया में आए हरासमेंट कर रही उन्होंने हमारी इकोनॉमिक ड्रेनेज हुआ ठीक है कभी भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया टेक्सटाइल मिल्स को इंडिया में आर यू गेटिंग इट इनफैक्ट जो इंपोर्ट्स होते थे ब्रिटेन से ब्रिटेन से रॉ मटीरियल इंडिया से रॉ मटीरियल जाता था कॉटन वहां पर कपड़ा बनता था मैनचेस्टर में और वो मेंचेस्टर से कपड़ा बन करके हिंदुस्तान में आता था और हिंदुस्तान में उसको बेचा जाता था इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी आर यू गेटिंग दैट तो सपोर्ट किसी भी एंगल से नहीं किया टेक्सटाइल मिल्स को इंडिया में ब्रिटिशर्स ने तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है वन और सी तो होगा ही नहीं दूसरा पहले विश्व युद्ध के समय हिंदुस्तानी जो टेक्सटाइल और स्टील इंडस्ट्रीज थी उन्होंने ग्रो करना शुरू किया ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है तो आंसर इसके आपका होगा ऑप्शन बी टू ओनली इज करेक्ट ओके तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टेटमेंट वन अगर आप देखो मैंने कहा कि इनकरेक्ट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट uh, जो है वो नहीं uh, दिखाया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को इन द सेकेंड हाफ ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी इनफैक्ट जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री थी इंडिया में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती थी क्योंकि चीप टेक्सटाइल्स इंपोर्ट आते थे ब्रिटेन से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते थे बहुत सी अगर आप देखो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज जो हैं आज की डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं आज की जिन्होंने कॉलोनीज बनाई उन्होंने अपनी कंट्रीज में किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट किया वो इम्पोर्ट के ऊपर हैवी ड्यूटी लगा देते थे जैसे इंडिया से जो फिनिश्ड प्रोडक्ट यूरोप में ब्रिटेन में जाता था उसके ऊपर वो बहुत हैवी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे अपनी लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ओके ताकि जो देश की जो इंडस्ट्री है उसको कंपटीशन ना फेस करना पड़े लेकिन ब्रिटेन की कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया में कभी भी ऐसी पॉलिसी फॉलो नहीं की वो तो क्योंकि उनके लिए तो हम मार्केट थे ना उनके लिए हम देश थोड़ी थे उनके लिए तो हम मार्केट थे कि अपना सामान ला करके यहां पर बेचो ठीक है जी स्टेटमेंट टू करेक्ट है चाहे आप आयरन इंडस्ट्री की बात करो स्टील इंडस्ट्री की बात करो कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करो तो उस समय पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उन्होंने एक्सपेंशन विटनेस किया कारण ब्रिटेन के इंपोर्ट इंडिया में कम हो गए डिक्लाइन हो गए क्यों डिक्लाइन हो गए क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था यूरोप में विश्व युद्ध चल रहा था अब विश्व युद्ध के समय यूरोप से डिमांड बहुत ज्यादा आ रही थी ठीक है हथियार बनाने हैं रेलवे बनाना है आयरन एंड स्टील चाहिए फौजियों के लिए कपड़ा बनाना है कॉटन चाहिए तो इसी वजह से ब्रिटेन का सारा सप्लाई जो है वो वॉर की तरफ चला गया इंडिया की जो मार्केट थी वो इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया और एक एक्सपेंशन यहां पर विटनेस इन्होंने किया right, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस तरह से एक्सपेंड हुई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रिटेन यूरोप में जो है अपना सारा ध्यान उसका लगा हुआ था सप्लाई में अब ब्रिटेन ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवेज बना रहे थे अब रेलवे के लिए स्टील चाहिए चाहिए आयरन तो गई नजर टाटा इंडस्ट्रीज तो टाटा इंडस्ट्रीज जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है डाटा हमें बताता है कि 1919 तक पहुंचते पहुंचते ब्रिटेन की जो सरकार थी हिंदुस्तान में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो अराउंड 90 परसेंट अपना स्टील टिस्को से ले रही थी तो प्राइवेट सेक्टर

तो वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड क्या दो स्टेटमेंट्स हैं सबसे पहले कहता है कि ही अप द संस्कृत कॉलेज इन बनारस बनारस में संस्कृत कॉलेज सेकेंड ही सम्पोर्टेड एंड प्रमोटेड ओरिएंटल एजुकेशन इन इंडिया या इस तरह से भी लिखा जा सकता था कि वॉरेन हेस्टिंग वॉज अ ओरिएंटलिस्ट तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है दोनों सही है वन सही है टू सही है या कोई भी सही नहीं है आसान सवाल है ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है बेसिक से सवाल है ये इनको आप मुश्किल की कैटेगरी में अगर आपने पढ़ाई किया तो इनको मुश्किल की कैटेगरी में नहीं रख सकते आप ठीक है अच्छा आप कई लोग कहेंगे कि सर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ई के पेपर में दो में नहीं पूछे गए तो गारंटी नहीं है कि दो में भी नहीं पूछे जाएंगे तो मैं आपको डायरेक्ट ए वाले क्वेश्चन भी करा रहा हूँ और ये स्टेटमेंट वाले भी करा रहा हूँ तैयार अपने सब चीज़ों के लिए रहना दूसरा अब जैसे यहां पर मैं ये क्वेश्चन पकड़ लू इसको एबीसीडी वाले में भी तो काम आएगा ये अगर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लूँ संस्कृत कॉलेज संस्कृत कॉलेज इन बनारस वॉज सेट बाय मैं सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी तो इस तरह से भी तो पूछ सकता हूं नीचे मैं चार लोगों के नाम लिख दूंगा उनमें से एक नाम होगा वॉरन हेस्टिंग्स का क्या वो सही है या गलत है आपको बताना होगा तो हेल्प तो वहां पर भी करेगा ना आपको आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन बी टू ओनली पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्योंकि संस्कृत कॉलेज जो बनारस में है वो वॉरन हेस्टिंग्स ने नहीं बनाया था दो वॉरन हेस्टिंग्स अ ओरिएंटलिस्ट ओरिएंटलिस्ट हमने क्लास क्लास में भी डिस्कस किया था मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा एंजलिस्ट और के बीच में डिफरेंस वो आप पिछली क्लास देख लेना ठीक है जी तो स्टेटमेंट वन इन करेक्ट है क्योंकि वॉरन हेस्टिंग्स ने सेवेंटीन एटी वन में कैलकाटा मदरसा की फाउंडेशन की थी ठीक है और ये कैलकटा मदरसा बेसिकली था ताकि जो इंडियन इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं अरेबिक पर्शियन इस्लामिक लॉ इनकी स्टडी के लिए ये बेसिकली कैलकाटा मदरसा स्टैब्लिश किया गया था अब बात आई बनारस संस्कृत कॉलेज तो बनारस संस्कृत कॉलेज किसने स्टैब्लिश किया था जो हमारे सवाल में था सो दिस बेसिकली इन दिसंटी टू ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एंड इट वॉज बेसिकली स्टैब्लिश बाय जॉनेथन डंकन ओके और ये भी एशियंट संस्कृत टेक्स्ट को कंट्री में कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में ताकि संस्कृत को प्रमोट किया जा सके इसीलिए इसको बनाया गया था बनारस संस्कृत कॉलेज तो दो क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकते हैं आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ओ, बताओ कैलकाटा मदरसा किसने बनाया आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बनारस संस्कृत कॉलेज किसने बनाया तो दोनों सवाल पूछ सकते हैं आपसे ठीक है जी चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हु अमंग द द फॉलोइंग फाउंडर ऑफ बोधिनी सभा बोधिनी सभा के फाउंडर कौन थे आसान सवाल है आज सारे आसान आसान सवाल हैं मुश्किल सवाल बिल्कुल भी नहीं है अगर ये आपको सवाल मुश्किल लग रहे हैं तो आपकी इतने तैयारी थोड़ी सी अभी कच्ची है पर कोई बात नहीं रिवीजन के लिए ही तो हम सवाल कर रहे हैं हम कौन सा यहाँ पर टेस्ट ले रहे हैं आपका

सेटबैक लगा था ब्राह्मो समाज को तो त्रिबेंद्र नाथ जैसे लोगों के आने के बाद ब्राह्मो समाज को एक जो है पुश मिला आगे बढ़ा वो उससे पहले ब्राह्मो समाज ज्वाइन करने से पहले टैगोर जो थे ये तत्व बोधिनी सभा इन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी और तत्व की एक पत्रिका भी निकाली जाती थी बंगाली भाषा में जिसका नाम था तत्व बोधिनी पत्रिका ठीक है तो तत्व बोधिनी पत्रिका के कौन एडिटर थे या कौन राइटर थे तो उसमें भी देवेंद्र नाथ टैगोर आप आंसर कर दोगे लैंग्वेज भी पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सी लैंग्वेज में निकाली जाती थी तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि बंगाली लैंग्वेज में निकाली जाती थी राइट एंड बेसिकली ये जो तत्व बोधिनी पत्रिका थी ये भी इंडिया का जो पास्ट है इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने का जो है एक मेन इसका ऑब्जेक्टिव रहता था और राजा राम मोहन रॉय के जो आइडियाज थे उनको प्रोपोगेट करती थी बेसिकली राइट चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन लास्ट तो नहीं है इसके बाद एक और सवाल देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसने फाउंडेशन की रपिंद्र नाथ टैगोर केशव चंद्रा सेन देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय अब जनरली बच्चे क्वेश्चन देख के एक्साइट हो जाते हैं इस तरह का और एक्साइटमेंट में फटाफट से अरे ये क्या सवाल पूछ लिया यार गंदा सवाल इतना तो हम पढ़ के आए हैं बहुत से बच्चे मैं यही नहीं कह रहा सब लोग आप लोग ऐसा करोगे मैं ही नहीं कह रहा बहुत बच्चे और फटाफट से आंसर लगाए आएंगे डी ब्रह्मो समाज पढ़ते ही लगाए आएंगे डी पर ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया दो अलग चीजें हैं ठीक है ऑप्शन में जानबूझकर बुझ कर राजा राममोहन रॉय रहेगा पर आपने फंसना नहीं है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया की 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 फाउंडेशन किसने थी केशव केशव सेन सेन ठीक है अब एक बार चंद्रा सेन की स्टोरी पढ़ लेते हैं कि कैसे केशव चंद्रा सेन जो है इनका सफर शुरू हुआ तो केशव चंद्रा सेन सबसे पहले इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद ही देवेंद्र टैगोर ने आर्या आचार्य यानी कि हेड ब्रह्मो समाज का हेड केशव चंद्रा सेन को बना दिया ठीक है केशव चंद्रा सेन ने जो ब्रह्मो समाज के आइडियाज थे उनको पॉपुलराइज करना शुरू किया और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ब्रह्मो समाज के जो ब्रांचेस uh, थे उनको बंगाल के बाहर भी लेकर के गए जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस पंजाब बॉम्बे मद्रास और भी शहरों में इन्होंने ब्रह्मो समाज को फैलाया लेकिन देवेंद्र टैगोर जो केशव चंद्रा सेन थे इनके कुछ आइडियाज से खुश नहीं थे जैसे केशव चंद्रा सेन जो थे वो कहते थे कि सारे धर्मों की टीचिंग्स मिला लो सारे रिलीजन्स को कंबाइन करो जो जो जिसमें अच्छी चीजें हैं वो ले लो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा बोलते थे इंटरकास्ट मैरिजिस को भी सपोर्ट करते थे और दिवेंद्र नाथ टेगोर कहीं ना कहीं चीजों को भी सपोर्ट नहीं करते थे उनका यह मानना था कि यह बहुत रेडिकल अप्रोच है सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी एकदम से एंड अल्टीमेटली केशव चंद्रा सेन को ब्रह्मो समाज से 1865 में निकाल दिया गया जब केशव चंद्रा सेन को अट्ठारह में ब्रह्मो समाज से निकाल दिया गया तो केशव चंद्रा सेन और उनके कुछ फॉलोअर्स उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और जब ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बन गई अब कंफ्यूजन होने लगा कि यार एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया हो गई एक ब्रह्मो समाज हो गई अब कंफ्यूजन नाम में कंफ्यूजन होने लगा तो जो दिवेंद्र नाथ टैगोर का समाज था या जो ओरिजिनल ओरिजिनलो समाज था जिसकी फाउंडेशन राजा राममोहन मोहन ने की उसको अब किस नाम से जाने जाना लगा आदि ब्रह्मो समाज तो आप ये कह सकते हो कि जो ब्रह्मो समाज था जो ब्रह्मो समाज था ये बाइफरकेट हो गया दो ब्रांचेज में एक बन गया समाज ऑफ इंडिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ठीक है जी और एक आपका रह गया आदि ब्रह्मो समाज आदि ब्रह्मो समाज ठीक है तो ये चीज याद रखनी है आपने चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन <coughs> साधारण ब्राह्मो समाज वॉ स्टार्टेड बाय अब एक नया ब्राह्मो समाज आ गया पहले ब्राह्मो समाज था फिर एक ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया आया ठीक है फिर एक आदि ब्राह्मो समाज आ गया अब एक नया ब्राह्मो समाज आ गया सदरना आनंद मोहन बोस शिव चंद्र देव उमेश चंद्र दत्ता ऑल ऑफ दी अब स्टोरी की तरह अगर इसको समझोगे कहानी की तरह समझोगे तो अच्छे से इसको याद कर पाओगे नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रट्टे लगाओगे तुम बिल्कुल भूलोगे लिखवा के ले लो आंसर इस केस में होगा आपका ऑप्शन डी ये तीनों ने मिलकर के साधारण ब्रह्मो समाज बनाया था अब स्टोरी वहीं से शुरू करते हैं केशव चंद्रा सेन ने अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लिया अब जब केशव चंद्रा सेन ने अपना ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाया उसके बाद दस बारह साल तक कुछ चीजें ऐसी हुई कि लोग उनसे उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनसे अलग होना शुरू हो गए सबसे पहले तो केशव चंद्रा सेन जो थे ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जो है बोला करते थे कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए उसका विद्रोह करते थे ठीक है लोगों को समझाते थे कि चाइल्ड मैरिज ना करो पर इन्होंने अट्ठारह में क्या किया इन्होंने अपनी तेरह साल की बच्ची की शादी करा दी हिंदू महाराजा थे कोच बिहार के उनके साथ शादी करा दी पूरे हिंदू धर्मों को मानते हुए चाइल्ड मैरिज करा दी तो लोग कहते कि भाई ये लोग ये बंदा हमें समझाता था कि चाइल्ड मैरिज मत कराओ और इसने अपनी बच्ची की करा दी ठीक है दूसरी चीज केशव चंद्रा सेन के कई फॉलोअर्स ऐसे थे कई अंधभक्त ऐसे थे वो कहने लगे कि केशव चंद्रा सेन तो भगवान का अवतार है अब ये भी ब्रह्मो समाज की फाइंडिंग्स के अगेंस्ट था जो प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स थे जो रैशनल भी फॉलोअर्स थे ब्रह्मो समाज रैशनैलिटी को प्रमोट करता था इनकारनेशन वगैरह जैसी चीजों को प्रमोट नहीं करता था तो वो कहते यार ये तो ब्रह्मो समाज की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसके भी अगेंस्ट है उसके बाद एक आखिरी इल्जाम केशव चंद्र सेन पे क्या लगा कि केशव चंद्र सेन वॉज बिकमिंग अथॉरिटेरियन वो किसी और को मौका नहीं दे रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपने होते हुए उनको जब केशव चंद्र सेन में कुछ दिखा अच्छा तो उन्होंने आचार्य केशव चंद्र सेन को बना दिया पर केशव चंद्र सेन वॉज नॉट लाइक दिस ही ऑलवेज वॉन्टेड टू बी इन अथॉरिटी ठीक है और इन सब कारणों की वजह से अल्टीमेटली जो केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स थे जो कंप्लीटली डिस्कस्ड हो चुके चुके थे इन सब चीजों से उनमें से कुछ फॉलोअर्स जैसे आनंद मोहन बोस शिव देव और उमेश चंद्र दत्त इन्होंने मिलकर के साधारण ब्रह्मो समाज शुरू किया ठीक है और इन्होंने जो ब्रह्मो डॉक्ट्राइंस थे जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज के डॉक्ट्राइंस थे लाइक वन गॉड सुप्रीम बींग ओके द बिलीव दैट नो स्क्रिप्चर और मैन इज इन्फॉलिबल ये सारी चीजें हमने कल भी पढ़ी थी जब ब्रह्मो समाज की वीडियो हम देख रहे थे ट्रुथ एंड मोरलिटी ये इन चीजों को दोबारा से प्रमोट करने लगे तो साधारण ब्रह्मो समाज तीन नाम याद रखने हैं आनंद मोहन बोस शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्त ठीक है ब्रह्मो ब्रह्मो समाज समाज टू ऑफ इंडिया एंड आदि ब्रह्मो समाज देन ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ऑल्सो वॉज यू नो उसका भी एक ब्रांच निकला अलग से जो डिस्कस्टेड फॉलोअर्स थे एंड दैट वॉज कॉल्ड द साधारण ब्रह्मो समाज ओके चलिए और राइट सो फ्रेंड्स आई होप आपको मज़ा आया होगा और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी अगर आप इनको सिर्फ पाँच एम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी कोई बात नहीं पर आपके कम से कम दस से बारह पंद्रह क्वेश्चन जो है इसमें कवर हुए हैं ठीक है जो आपसे इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं सो so फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर खत्म करेंगे एंड आई होप यू लाइक डिट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को शेयर जरूर करना चैनल को मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय